तो कैसी बनी है ये पपीते की सब्जी, आपको देखने से अंदाजा लग गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पपीते की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने एक मीडियम साइज के पपीते लिए हैं, वेट में लगभग 400 ग्राम के आसपास है। दो टमाटर, एक प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च को हमने इस प्रकार से काटा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम चलेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ी सी ज़्यादा डाल के पहले हम पपीते को फ्राई कर लेंगे। ये कच्चा पपीता है तो ये थोड़ा अंदर से ये हल्का सा पका हुआ निकला था, तो इसी प्रकार से आप फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल ज़्यादा तेल डाल के भी इसे फ्राई कर सकते हैं। हमने कम तेल में यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। तो ये देखिए, फाइनली हमारा पपीता फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, सारे पपीते को हम निकाल लेंगे और उसी जो तेल बचा हुआ है उसी में से हम खड़ा जीरा, हरी मिर्च और प्याज इसमें डाल के इसे हम रोस्ट करेंगे और इसे चलाते हुए। तो ये देखिए, हमारा प्याज और मिर्च सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमने इस प्रकार से 4 से 5 भागों में टमाटर को काटा है और इसे डाल के आप बारीक काट के या तो पेस्ट इसका बना के भी डाल सकते हैं इसमें। तो हमने काट के यहाँ पे इसे अच्छे से पका के तो इसे हम कवर कर लेंगे ताकि ये टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो अब देखिए, हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब स्पैचुले की मदद से हम इसे प्रेस करके इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी बनेगी ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे ताकि नमक ये हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। तो इसी प्रकार से आप ये देखिए कितना बढ़िया ये इसकी ग्रेवी बनी है। तब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमने धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सारे मसाले को हमने लगभग आधी चम्मच के आसपास रखा है। तो इसे डालने के बाद हम थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे इसमें ताकि इसकी थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बन सके। अब पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ये। तो फाइनली ये अब हम यहाँ पे जो पपीता को हमने फ्राई किया था उसे डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारा टमाटर ऑलरेडी पहले ही ये पपीता हमारा जो है फ्राई हो चुका है। तो लास्ट में हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, फाइनली हमारा पपीते की ये चटपटी ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका ग्रेवी भी बना है और ये जो पपीता फ्राई करके डाला है और हरी मिर्च का ये टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे फ्रेंड जरूर एक बार ट्राई करें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।